धीरे धीरे उपरमंडल की ओर हम लोग अग्रसर है। बेगूसराय परमंडल भी बनेगा, परमंडल बनेगा, यहाँ एयरपोर्ट भी बनेंगे। बिहार के सारे उद्योग धंधे बेगूसराय के अंदर, पटना के बाद सबसे बड़ा मेडिकल हब भी बेगूसराय बन चुका है। विकास ही विकास होगा और लोगों को सुविधा होगी। मैंने 2021 में इसको उठाया था गैर सरकारी संकल्प के रूप में और विस्तृत चर्चा हुई थी सदन सदन के स्तर पे। मेरे ध्यान में नहीं है कि किसी ने इसको परमंडल की मांग की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो मीडिया, आपके साथ मैं रक्षंदा भारद्वाज। बेगूसराय जिले को परमंडल बनाने के लिए तमाम दिग्गजों के बीच खूब चर्चा हो रही है और इसी चर्चे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मटिहानी के वर्तमान विधायक राजकुमार जी। आइए इनसे इस चर्चा पे बात करते हैं। स्वागत है सर आपका केवी स्टूडियो मीडिया में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बेगूसराय को परमंडल बनाने के लिए आपकी क्या राय है? नहीं, हम लोग तो इसके दिशा में काफ़ी पहले ही प्रयास कर चुके हैं। मुझे लगता है कि विधायक बनने के बाद 2021 में मैंने परमंडल बनाने की चर्चा विधानसभा के स्तर पे की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चर्चा को सराहा भी था और आश्वासन भी दिया था और ये कहा था कि धीरे धीरे हम लोग परमंडल की ओर अग्रसर हैं बेगूसराय में, जैसे श्रम आयुक्त का कार्यालय, DIG का कार्यालय, अन्य बहुत सारे जो परमंडल स्तरीय कार्यालय हैं वो बेगूसराय में खुलते जा रहे हैं और धीरे धीरे परमंडल की ओर हम लोग अग्रसर हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात होगी कि हम लोग एक फुल फ्लेजेड परमंडल अब बनने की ओर बिल्कुल अब मैच्योर है ये जिला। और मुंगेर, जैसा कि आपको पता है कि सबसे बड़ा परमंडल है बिहार का, 6 जिलों से मिलकर बना हुआ है। मुझे लगता है कि मुंगेर से बड़ा कोई परमंडल नहीं है, अगर मैं सही हूँ तो। और बेगूसराय को परमंडल, बेगूसराय बिहार की औद्योगिक राजधानी भी कही जाती है। बिहार के सारे उद्योग धंधे बेगूसराय के अंदर हैं और नए नए उद्योगों को बढ़ावा भी मिल रहा है। तो अगर परमंडल स्तरीय कार्य के लिए जितने भी उद्योग से जुड़े लोग हैं उनको परमंडल स्तरीय कार्य भी करने में सुविधा होगी यदि बेगूसराय को परमंडल का दर्जा दे दिया जाता है। और बेगूसराय तो ऐतिहासिक रूप से हर दृष्टिकोण से प्रसिद्ध है ही, तो परमंडल अगर मिले बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर को, इन 3 जिलों को मिला के, तो इन 3 जिलों के लिए बड़ी ही अच्छी बात होगी। सभी परमंडल मुख्यालय से नज़दीक हो जाएंगे जी। खगड़िया के लिए भी नज़दीक होगा, समस्तीपुर के लिए भी नज़दीक होगा। तो समस्तीपुर तो का कुछ पोर्शन तो दरभंगा के नज़दीक भी है, लेकिन समस्तीपुर से एक नेचुरल लगाव है बेगूसराय वालों का। तो ये एक अच्छा मुहिम है, सब लोगों ने शुरू किया है। हमने भी विधानसभा पे बहुत पहले 2021 में ही इस मसले को उठाया था और सरकार का इसमें रवैया भी सकारात्मक है। सम्मिलित प्रयास से मुझे उम्मीद है कि बेगूसराय परमंडल बने। अच्छा, बेगूसराय की जनता को बेगूसराय अगर परमंडल बनता है तो उससे क्या लाभ होगा? देखिए, परमंडल बनने से कई तरह के जो आप आहर्ता जो है आपको स्वतः प्राप्त हो जाती है। लोग बार बार दिनकर विश्वविद्यालय की मांग करते हैं यहाँ पे, तो एक परमंडल स्तर पे ये भी हमारा सपना पूरा हो जाएगा। अभी जनरली परमंडल के स्तर पे ही विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है, तो परमंडल बन जाने से हमारा वो सपना भी पूरा होगा। अच्छा, और किन किन क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है? हर क्षेत्र में। आप पर्यटन के दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध जिला है और मैंने कहा है कि जिले में जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं तो जहाँ जहाँ परमंडल का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हर दृष्टिकोण से इस जिले के लिए वो बेहतर होगा। और यहाँ मक्का अनुसंधान केंद्र है, यहाँ भी आप देख रहे हैं सिमरिया का, माननीय मुख्यमंत्री जी से के प्रयास से सिमरिया मेला, जिसको राजकीय मेले का दर्जा प्राप्त है, और वहाँ पे कितने अच्छे घाट का निर्माण हुआ है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में अपने आप का ये एक अनूठा घाट बन रहा है। हर की पौड़ी है या बनारस का घाट है और उसके बाद सिमरिया घाट, हमको लगता है दोनों से ही बेहतर यहाँ सुविधाएं निर्मित हो रही है। तो यहाँ पर्यटन को भी बहुत बड़ा बढ़ावा मिलने जा रहा है। यहाँ पे कांवड़ झील है और ये पूरा सिमरिया से लेके कांवड़
झील तक के इलाके को एक पर्यटन कॉरिडोर की तरह अगर इसको डेवलप किया जाए तो पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत यहाँ पे विकास हो सकता है। जी पर्यटन का कार्यालय अभी भी मुझे लगता है कि पर्यटन का कार्यालय मुंगेर में ही है, पटना में है, जी और सुपर यहाँ पे एक स्थानीय कार्यालय पर्यटन का था, वो भी शिफ्ट हो गया, अभी बंद हो गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी तो निश्चित रूप से बेगूसराय के लोगों को, बेगूसराय की जनता को और आसपास के जिलों को भी बहुत फायदा होगा। अच्छा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेगूसराय को अगर मिलता है, परमंडल बनाया जाता है, तो क्या स्वास्थ्य हाँ, के क्षेत्र में लाभ होगा? आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको बन रहा है अभी मेडिकल कॉलेज, निर्माणाधीन है, और पटना के बाद सबसे बड़ा मेडिकल हब भी बेगूसराय बन चुका है। तो हर क्षेत्र में विकास ही विकास होगा और लोगों को सुविधा होगी। परमंडल स्तरीय कार्य के लिए लोगों को मुंगेर नहीं जाना पड़ेगा, बेगूसराय के स्तर पे ही कार्य होगा तो विकास को और गति मिलेगी। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बेगूसराय को परमंडल बनाने के लिए आपकी इसमें क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हम लोग विधानसभा के स्तर पे ही इस बात को उठाते हैं। मुझे लगता है कि अभी तक मैंने 2021 में इसको उठाया था गैर सरकारी संकल्प के रूप में और विस्तृत चर्चा हुई थी सदन में। उसके बाद इस पे अभी तक सदन के स्तर पे मेरे ध्यान में नहीं है कि किसी ने इसको परमंडल की मांग की है। तो इसको, और जितने भी हम लोग विधायक हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जो समाज के लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं जो जन सरोकार से जुड़े हुए हैं, सब लोगों के सम्मिलित प्रयास से यदि बेगूसराय को परमंडल का दर्जा दिलाने में हम लोग सफल होते हैं तो बेगूसराय की जो जनता है, लाखों जनता के लिए और आसपास के जिले के लिए भी, सटे हुए जिले के लिए, बहुत अच्छा कार्य होगा। अच्छा, जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे, बेगूसराय जिला वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? जनता को तो हमेशा ही हम लोग संदेश देते रहते हैं कि आपका साथ, आपका सहयोग सरकार के हर कार्य को गति देता है। आप सकारात्मक सहयोग देते रहें और सरकार आपके विकास के लिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार ने पूरे बिहार का विकास किया है, बेगूसराय का भी बहुत विकास हुआ है, और हम सब लोग जो आज से 20-25 साल पहले के बिहार को और बेगूसराय को देख रहे हैं और आज देख रहे हैं, तो उनको अंतर स्पष्ट नजर आएगा। हर क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर ओर उन्नति उन्नति है। तो जनता का साथ मिलता रहेगा तो विकास की गति को और रफ्तार मिलेगी और बेगूसराय परमंडल भी बनेगा, परमंडल बनेगा, यहाँ एयरपोर्ट भी बनेंगे, तो हर तरीके की सुविधाएं यहाँ पर होंगी। तो इस सब चीज के लिए जनता का साथ और सहयोग अपेक्षित है। हम आप सब लोगों से प्रार्थना करेंगे कि जिस तरीके से आपने साथ दिया है बिहार की सरकार का, नीतीश कुमार की सरकार का, तो आप लगातार अपना साथ और सहयोग बनाए रखें और बेगूसराय के विकास में सकारात्मक सहयोग करते रहे। अच्छा सर, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि आप मटिहानी क्षेत्र से हैं और वो एक वार्ड स्तरीय क्षेत्र है, तो वहां की जनता के लिए क्या कुछ सुविधा है, क्योंकि अब जल का बढ़ाव बढ़ता ही जा रहा है? देखिए, हर साल मटियानी, ये सही कहा आपने कि मटियानी के कई पंचायत, मुझे लगता है 11 पंचायत जो है वो लगातार बाढ़ से पीड़ित होते हैं। और मटियानी विधानसभा ऐसा है जिसमें ग्राम पंचायत तो है ही, साथ ही साथ नगर निगम के भी कई सारे वार्ड हैं, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, 6, 7, 17, 18, ये सारे बाढ़ पीड़ित होते हैं हर साल। और सरकार इसके लिए हमेशा पूर्व से आपदा राहत की तैयारी करके रहती है। अभी भी जिला स्तर पे पूरे बाढ़ से संबंधित हम लोग का अनुश्रवण भी हो चुका है और बाढ़ की पूरी तैयारी कर ली गई है। स्थायी निदान के लिए जो कटाव निरोधक कार्य है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि मटियानी विधानसभा में ही खरमपुर में और नया गांव में बोल्डर से बाढ़ निरोधक कार्य को किया गया है। पहले भी वहां पे, पिछले साल भी किया गया था जियो बैंक से, इस बार उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए बोल्डर से भी कटाव निरोधक कार्य किया गया है। तो जो भी ऐसे पॉइंट हैं, स्थल हैं जहाँ पे कटाव निरोधक कार्य होने चाहिए, उसको पूर्व में ही सरकार ने करा लिया है। और अभी सब जगह आप देखेंगे कि अगर गुप्ता लखमनिया बांध पे आप देखेंगे कि बैग्स भर के रख लिए गए हैं ताकि किसी इमरजेंसी की स्थिति में उसको, उससे कटाव निरोधक कार्य को किए जा रहे हैं। तो सरकार मटिहानी विधानसभा के लिए हम लोग लगातार मुस्तैद रहते हैं, और चूंकि ये आपदा हर साल आती है जी तो इसके लिए पूर्व में ही तैयारी रहती है।
सबसे बड़ा समस्या किसानों को आता है, क्योंकि उनको अपना जो लालन पालन करते हैं वो खेती से करते हैं, वो सब छोड़ के निकलना पड़ता है बाद पीड़ित जब वो हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या है? आपदा की तैयारी में ये भी है कि जो भी फसल की क्षति होती है जी वो भी क्षतिपूर्ति सरकार देती है, बाढ़ राहत भी मिलता है प्रति परिवार सभी को। तो ये बाढ़ की तैयारी में ये सारी चीजें निहित है, उसमें किसान आम जन सबके लिए आपदा से संबंधित जो भी राहत कार्य है सरकार के, जो भी राहत राशि है वो सब चीज वितरित होती है और उसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं, चाहे वो कम्युनिटी किचन की व्यवस्था हो। और किसानों के लिए तो होता ही है, जो फसल क्षतिपूर्ति उनको मिलता ही है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए और अपना कीमती वक्त बहुत देने बहुत के लिए। धन्यवाद आपका। इसी के साथ आप देखते रहें केवी स्टूडियो मीडिया। आपके साथ मैं रक्षंदा भारद्वाज, मिलते हैं नए वीडियो में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।